नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी मैं आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर एक ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर आ रही है, जिसके बारे में एक एक डिटेल अब से कुछ क्षणों में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस लिया है। कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं है, आदमी नहीं संगठन बड़ा होता है, विक्रमादित्य सिंह ने कहा। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है हिमाचल प्रदेश में कि बागी विधायकों की अयोग्यता का जो मामला है उसमें विधानसभा स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीएम सुक्खू बोले, विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई हैं। जम्मू कश्मीर में दो गुटों पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दोनों जमातों को गैर कानूनी घोषित किया गया। सुमजी गुट और बट गुट गैर कानूनी संगठन घोषित किए गए। दोनों संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। बड़ी खबर, महाराष्ट्र दौरे पर पीएम ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी कर दी है। पीएम बोले, महाराष्ट्र से अब की बार 400 पार का आशीर्वाद। और शिवाजी महाराज ने सत्ता को नहीं राष्ट्र चेतना को बनाए रखा, प्रधानमंत्री ने कहा। अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। सीबीआई ने अखिलेश यादव को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव के सीएम रहते अवैध खनन का मामला। चुनाव आयोग की टीम कल यूपी के दौरे पर जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में यूपी का दौरा। पुलिस अधिकारियों राज्य के चुनाव आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। इन सभी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग का ओडिशा सरकार को नोटिस। सरकारी विज्ञापन में पार्टी सिंबल इस्तेमाल करने पर मांगा जवाब। विज्ञापनों में शंख चिन्ह उपयोग पर मांगी सफाई। और मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की गई है। मराठा समाज की तरफ से शीर्ष अदालत में केवियट है, कोई आदेश देने से पहले समाज का पक्ष सुनने की अपील। और नफे सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली है। लंदन में बैठे गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। कहा, जो मेरे दुश्मन से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं। और प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, क्योंकि हम उस ट्रेन एक्सीडेंट की खबर आपको तुरंत बताने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर है। लेकिन पहली खबर, पीएम मोदी ने मिशन गगनयान से जुड़े 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का परिचय विश्व से कराया है। पाकिस्तान क्यों परेशान है, जानना जरूरी है। दूसरी खबर, क्या कर्नाटक में कांग्रेस समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया? बीजेपी के आरोपों का सच क्या है, पड़ताल हम करेंगे। तीसरी खबर, डीएम के सरकार के पोस्टर में भारतीय रॉकेट पर चीनी झंडा क्यों लगाया गया? पीएम मोदी ने क्यों कहा, वैज्ञानिकों का अपमान हुआ। चौथी खबर, 15 टापू, 55 लाख हर रोज की कमाई, 1800 करोड़ की कुल संपत्ति। संदेश खाली के वांटेड शाहजहां शेख पर बड़ा खुलासा दिखाएंगे। और पांचवी खबर, हिमाचल में इतनी सियासी हलचल क्यों है? क्या सीएम सुक्खू की कुर्सी जाएगी? क्या राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? इन सभी खबरों के साथ, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है, झारखंड के जामताड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 लोगों की मौत। बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की जान गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते पूरी तरीके से बगैर मजाक किए, क्योंकि बहुत परेशान करने वाली खबर है। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, ट्रेन में आग लगने की अफवाह से पटरी पर कूदे यात्री, दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए कई लोग। झाझा आसनसोल ट्रेन की चपेट में आकर 12 की मौत। दोनों ब्रेकिंग एक बार दिखाई है, दोनों शॉट्स के साथ। वहां के विधायक इरफान अंसारी ने क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन यह तस्वीरें देखिए, इस वक्त की बड़ी चिंताजनक तस्वीरें। क्या कहा वहां के विधायक, आइए देखते हैं। पर ये बहुत बड़ी घटना है, दुखदायी घटना है। इस घटने से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, लोग हमारे सदमे में हैं। मैं अभी जामतलक के लिए मैं निकल रहा हूँ। मैंने जैसे ही मुझे मालूम चला, मैं तुरंत जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन से मेरी वार्ता हुई और मैंने युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम करने को कहा है, मदद करने के लिए कहा है। घटना घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, किसकी लापरवाही है, इसकी जाँच करने का भी मैंने निर्देश दिया है। फिर से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी घटना है मेरे क्षेत्र के लिए। मैं कल इस मामले को सदन में भी उठाऊंगा और हर संभव मैं उस परिवार को मदद करूंगा, जितना हो सके मैं परिवार को मदद करूंगा। किसकी जान गई है, कौन कौन है, किनके क्या क्या नाम है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जैसे मुझे डिटेल मालूम चलेगा मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। दिखाई पड़ रहा है, 2 से 3 तक अभी बॉडी देख पाए हैं और बॉडी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लाइट कम रहने के चलते। घायल कितने हैं, घायल कितने ये और नहीं बता सकते। ट्रेन का हम बाइक से अपना जामताड़ा से आ रहे थे, ट्रेन जैसे रुकी देखे थोड़ा सा हो हल्ला हो रहा था, तो हम ब्रेक करके हमने पब्लिक को हेल्प करने के लिए दौड़ा।
लगभग कितना आदमी ट्रेन से उतरा होगा? जो ट्रेन यहाँ वो उतरा होगा कम से कम 200-300 आदमी लड़का उतरा हुआ था, बैग लेके, कोई ट्रॉली लेके, कोई बच्चा लेके, कोई बीबी लेके, मजदूर आदमी थे जो बिहार जा रहे थे। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। कुमार कुंदन, समझना ये चाहूंगा मैं आपसे कि क्या ये जो आंकड़ा है घायल लोगों का या जो कैजुअल्टीज हैं ये बढ़ सकता है, क्योंकि जो आई विटनेस है उनके अनुसार ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए निशांत, ये नंबर अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली, लेकिन ये नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बात हो रही है पहली नजर में ऐसा देखने को लग रहा है कि ट्रेन में कोई र्यूमर हुआ, र्यूमर आग की बात हो रही है, और उसकी वजह से कई सारे लोग ट्रेन से कूद गए, उतर गए, और दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन की चपेट में आने की वजह से लोगों की मौत हुई है। जामताड़ा के कमिश्नर ने इस बात का दावा किया है कि कोई मैसिव कैजुअलिटीज हुई है, नंबर अभी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है। रेलवे की तरफ से भी अभी तक कोई नंबर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके बाबत ये पता चल रहा है कि तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई है। निशान, कुमार कुंदन बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तमिलनाडु में चीन के झंडे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के केंद्र में एक पोस्टर है जिसे डीएम की सरकार ने छपाया है। ये एक विज्ञापन है जिसे इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कार्यक्रम के लिए छपाया गया। यह विज्ञापन बुधवार को राज्य के तमाम स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। पोस्टर में जो भारतीय रॉकेट दिखा उस पर चीनी झंडा लगा था। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के थुतुकुडी जिले में इसी स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। पोस्टर में पीएम मोदी के साथ सीएम स्टालिन की तस्वीर भी लगाई गई थी, साथ ही डीएम के सांसद कानी मोई, मंत्री उदयनिधि स्टालिन, डीएम के मंत्री थिरुअनीता राधाकृष्णन के साथ एक और डीएम के नेता पोस्टर में दिखे। इन्हीं तस्वीरों के बीच चीनी झंडा लगे भारतीय रॉकेट की तस्वीर थी। जैसे ही यह पोस्टर सामने आया, बीजेपी ने इसे डीएमके का चीनी प्रेम बता दिया। पीएम मोदी ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों और स्पेस सेक्टर का अपमान करार दिया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने विज्ञापन का फोटो सोशल मीडिया पर साझा किया। लिखा, डीएमके मंत्री अनिता राधाकृष्णन की तरफ से आज प्रमुख तमिल दैनिकों को दिया गया यह विज्ञापन चीन के प्रति डीएमके की प्रतिबद्धता और हमारे देश की संप्रभुता के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा का प्रतीक। इसके बाद तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी ने तिरुनेलवेली में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने डीएमके सरकार पर केंद्र की योजनाओं का झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया और स्पीकर का मुद्दा जनता के सामने उछाल दिया। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने सिर पर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, डीएमके के पोस्टर पर चीनी झंडे को उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान बता दिया, जनता के टैक्स का अपमान करार दिया। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। बीजेपी के आरोपों का डीएमके सांसद कन्नी मोझी ने जवाब दिया। I don't know what the person who did the artwork, where they found the picture from, and I don't think you know, India has declared China as an enemy country or anything. DMK wants to prevent the second facility also here. DMK wants to stop the rocket launching facility from coming here. DMK नेता भले कुछ भी कहें, लेकिन पोस्टर विवाद से सरकार असहज जरूर हो गई है। इसरो के जिस स्पेस पोर्ट या लॉन्च पैड वाले पोस्टर पर राजनीति हो रही है, अब आपको उस स्पेस पोर्ट की कुछ खासियत बताते हैं।
इसरो का नया लॉन्च पैड तमिलनाडु के कुलसेकर पट्टिनम शहर में बनेगा। यहां से दूसरे स्पेसपोर्ट से छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। यह करीब 2000 एकड़ में बनेगा, जिसे बनाने में करीब 968 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसरो के इस नए स्पेसपोर्ट से वैज्ञानिकों को भविष्य में क्या फायदा होने वाला है, यह भी जानना जरूरी है। इससे लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट के डायवर्जन की जरूरत खत्म होगी। अभी श्रीहरिकोटा से छोड़े जाने वाले रॉकेट का रूट डायवर्ट करना जरूरी होता है। श्रीलंका के हवाई क्षेत्र से बचने के लिए रास्ता बदलना जरूरी है। श्रीहरिकोटा से छोटे उपग्रह को लॉन्च करने का खर्च ज्यादा आता है। रूट डायवर्ट करने की वजह से ईंधन और समय दोनों ज्यादा खर्च होते हैं। तमिलनाडु के नया लॉन्च पैड बनने के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। तमिलनाडु के बाद अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां संदेश खाली और वांटेड शाहजहां शेख पर जारी बवाल नहीं थम रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट निर्देश दे चुका है कि शाहजहां शेख की जल्द गिरफ्तारी हो। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने निर्देश दिए हैं कि अगर सरकार शेख को पकड़ने में नाकाम होती है तो 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट दाखिल की जाए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि शेख शाहजहां बंगाल पुलिस की हिरासत में है। इस बीच TV9 के पास शेख शाहजहां को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपए कमा रहा है, कैसे साधारण मजदूरी करने वाला शेख 13 साल में 1800 करोड़ का मालिक बन गया, कैसे शाहजहां शेख ने संदेश खाली के आसपास 15 द्वीपों पर अपना साम्राज्य बना लिया है। संदेश खाली से TV9 भारत और संवाददाता रविशंकर दत्ता की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो तोड़फोड़ की निशान है, ये साफ जाहिर करता है लोगों का गुस्सा है। स्क्वायर माइल में फैले संदेश खाली एक 15 द्वीपों का समूह है, जिनमें से 2 या 3 द्वीपों के लोगों के गुस्सा और विद्रोह सामने आया है। बाकी का 12 द्वीप में ना तो पुलिस पहुंची है, ना तो मीडिया, ना तो कोई नेता। ये 15 द्वीप का बेताज बादशाह शेख शाहजहां है। सवाल है कि शेख शाहजहां ने कैसे इन 12 द्वीपों पर अपना काला साम्राज्य स्थापित किया, वो साम्राज्य जहां से शाहजहां शेख एक दिन में 55 लाख रुपए की मोटी रकम कमा रहा है। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने शाहजहां की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए संदेश खाली का दौरा किया। कई द्वीपों वाले इस इलाके में वो कभी बोट में सवार हुए तो कभी उन्होंने ई रिक्शा से सफर किया। पड़ताल के दौरान TV9 संवाददाता को एक्सक्लूसिव दस्तावेज मिले। ये शेख के कारोबार से जुड़े कुछ बिल थे जिनमें उसकी काली कमाई का ब्यौरा दर्ज था। इन्हीं से खुलासा हुआ कि शेख की एक दिन की कमाई 55 लाख रुपए है। TV9 भारतवर्ष के हाथ में है एक्सक्लूसिवली शेख शाहजहां का बिजनेस का वो बिल्स, जिससे देख के साफ पता चलता है कि एक दिन में शेख शाहजहां यही फिशरी का बिजनेस से 55 लाख रुपया इनकम करता था। ये कुछ चंद बिल है, करीब 10 यहाँ पे बिल है, जिसका कुल मिला के जो अमाउंट है वो 55 लाख रुपया है। हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से भी शेख की कमाई के बारे में पूछा। उन्होंने अंदाजे में भी जो रकम बताई वो 1500 करोड़ थी। मैंने तो सुना है 1500 करोड़ की जम संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है, उससे इतना रुपया उसके पास है। यहाँ के लोगों के बीच अब भी शाहजहां शेख की दहशत है। वो खुलकर उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही एक व्यक्ति से चेहरा नहीं दिखाने की शर्त पर हमारे संवाददाता ने कुछ सवाल किए। संदेश खाली 15 द्वीप से बना हुआ है, 15 आइलैंड्स है इसमें। उसमें मीडिया, पुलिस, नेता, कर्मी सब अभी तक बस 3 जगह पहुंच पाई है। बाकी का जो 12 आइलैंड है वहां पे भी क्या ये सेम अवस्था है? हाँ, सेम अवस्था है। यही जो 12टा आइलैंड, ये जो 12 आइलैंड है जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, এখানে কি শেখ শাহজাহান এর রাজ চলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কম বেশি সব জায়গায়, টোটাল ব্লকটাই, দুটো ব্লকই চলে। अब सवाल ये था कि संदेश खाली जैसे द्वीपों से घिरे इलाके में शेख एक दिन में 55 लाख रुपए कैसे कमाता था। रविशंकर दत्ता, संदेश खाली, TV9 भारतवर्ष। 15 सालों में करीब 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक शाहजहां शेख ने संदेश खाली में ऐसा क्या किया जिसने उसको एक साधारण मजदूर से इतना बड़ा आदमी बना दिया। TV9 भारतवर्ष शेख का वो सीक्रेट अड्डा आपको दिखाने वाला है जहां शेख के मछली माफिया बनने का राज छिपा है। अगर आपको एक दिन में 55 लाख रुपया मिल जाए
लगेगा कि आपको लॉटरी मिली है। लेकिन क्या हो अगर आपको यही 55 लाख रुपया हर रोज 365 दिन मिलता रहे। 13 साल पहले शेख शाहजहां को संदेशखाली में कुछ ऐसा ही मिला था। लेफ्ट शासन में शाहजहां शेख मामूली गुंडागर्दी करता था। इसके बाद उसकी नजर संदेश खाली पर पड़ी। शेख जानता था कि संदेश खाली के पानी और मिट्टी में ऐसा खजाना छिपा है जो उसे रातों रात करोड़ों का मालिक बना सकता है। संदेश खाली का मिट्टी में और पानी में नमक की मात्रा ऐसा है जिसके चलते यहाँ पे मछली फलता फूलता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और इसी के चलते शेख शाहजहां को यहाँ पे दिखा पैसे का खदान। इसके बाद शेख ने जबरन लोगों की जमीनें कब्जानी शुरू कर दी, हरियाली वाली जगह को तालाबों में तब्दील कर दिया और मछली पालन शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरे इलाके में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। एक एक दिन में 55 लाख रुपए कमाने लगा। कत टाका आय होते पारे पूरे संदेशखालीते मोटामुटी एक एक दिने ओर? हां, लाख लाख टाका। तो टीवी 9 भारतवर्ष ने इलाके में टीएमसी नेता से शाहजहां शेख को लेकर सवाल पूछा, उस पर लग रहे आरोपों को लेकर जवाब मांगा। टीएमसी नेता ने कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। ना लोग कोई शाहजहां शेख का नाम नहीं बोला, से उत्तम सदर शिव हजरा का नाम बोला। अब 6 मार्च को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। खबरें हैं कि इस दौरान संदेश खाली की महिलाएं बीजेपी नेताओं के साथ उनसे मुलाकात करेंगी और दर्द बयां करेंगी। साफ है बंगाल में संदेश खाली चुनाव का बड़ा मुद्दा बन सकता है। संदेश खाली में शाहजहां शेख के अत्याचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की चर्चा के बीच 6 मार्च को पीएम मोदी बंगाल का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी दौरे पर महिला जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान संदेश खाली से भी कई महिलाएं जनसभा में पहुंचेंगी। बीजेपी नेता संदेश खाली की महिलाओं को जनसभा में ले जा सकते हैं। संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने टीवी 9 पर बताया है कि वो पीएम मोदी की सभा में जाने के लिए तैयार हैं। অত্যাচার করেছে শিবু হাজরা আর এই মস্তান তিন মস্তানে এসব বৌজি খুলে বলতে পারে না স্বামীর কাছে, বুঝতে পারে কারো স্বামী মানতে পারে? তখন তো যাবে হুজুগ করে, তখন তো চালাবে বাড়ি, যে যার মতো চুপ করে থাকে। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে পুলিশ মন্ত্রী ভি হ্যায় উনকা নির্দেশ সে আজ শেখ শাহজাহান কো পকড়া নেই যা রহে, উনকো প্রোটেকশন দিয়া যা রহে। কালীঘাট কা যো ঘর হ্যায় ব্যানার্জি পরিবার কা যো যো घर है सब घर में तलाशी किया जाए, वहाँ पर शेख शाहजहां छुपा के रखा है। वो कोर्ट परमिशन दे दिया, अब देखिए क्या होगा। और सीबीआई और ईडी, ये शुभेंदु और भाजपा को जो लीडरशिप है वो बता रहा है शाहजहां इधर है, शाहजहां उधर है। अरे भाई प्रेस में क्यों, आपको सीबीआई ईडी को बता दीजिए, वो पकड़ लेगा। बंगाल के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर पॉलिटिकल ड्रामा अपने चरम पर है। कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 36 घंटे जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी की पाए हिले हुए हैं। हिमाचल में यह राजनीतिक घटनाक्रम कल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। यह कांग्रेस के लिए पहला झटका था, लेकिन इसके आफ्टर शॉक आज सुबह से कांग्रेस के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। आज पूरे दिन हिमाचल प्रदेश में 5 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला एक्शन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हुआ है। सियासी संकट संभालने के लिए कांग्रेस आलाकमान के 3 बड़े नेताओं को शिमला रवाना किया गया। भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिवकुमार ने विधायकों के साथ कई मीटिंग की। दूसरा एक्शन विधानसभा स्पीकर के यहां दिखा। सरकार गिरने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन मोशन लेकर आए। डिस्क्वालिफिकेशन मोशन पर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने सुनवाई की।
इससे पहले विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में बजट पास करा लिया, लेकिन पहले बीजेपी के 15 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। चौथा बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम सुक्खू सरकार के अंदर हुआ है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि अब उन्हें मना लिया गया है, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया है। पांचवा डेवलपमेंट सीएम सुक्खू के दावे के रूप में सामने आया है। सुबह से खबरें आ रही थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दोपहर में सुक्खू ने इस्तीफे से इनकार कर दिया। सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि कुछ विधायक नाराज हैं, लेकिन सरकार को खतरा नहीं है। आज सुबह जिस वक्त कांग्रेस के नेता 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से हुए नुकसान का हिसाब किताब लगा रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के लिए दूसरी बुरी खबर आती है। सुक्खू सरकार में मंत्री और हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता विक्रमादित्य सिंह ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस डेवलपमेंट से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। इसके बाद उन्हें मनाने का काम शुरू हुआ। खुद सीएम सामने आए, फिर हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला सहित कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने उनसे बातचीत की। थोड़ी देर पहले विक्रमादित्य सिंह फिर से सामने आते हैं और इस्तीफा वापस लेने की बात कहते हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संगठन होता है, और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसलिए मैंने उस विषय में जो हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं, उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह से बातचीत की, जिसके बाद सुक्खू ने विक्रमादित्य को छोटा भाई बताया। देखिए, विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कभी विरोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसमें दे दिया जाता है, उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक करीब 9 घंटे तक शिमला में उन्हें लेकर कई तरीके की बातें होती रहीं। सुबह 11 बजे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब वो बहुत गुस्से में थे, काफी इमोशनल थे और कांग्रेस नेतृत्व को सीधी चुनौती दे रहे थे। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मंत्री बेटे विक्रमादित्य ने जैसे ही इस्तीफे की बात कही, शिमला से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। विक्रमादित्य ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस आला कमान को अल्टीमेटम भी दे दिया। बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है। नाउ द कॉल एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रमादित्य काफी भावुक दिखे, उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मतभेद की कुछ वजहें भी सामने रख दी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। ये बातें कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी सुनी। कभी कांग्रेस नेता और वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन अब बीजेपी में हैं और कल ही राज्यसभा का चुनाव जीते हैं। वो विक्रमादित्य को यूथ आइकॉन बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अपने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है और मैं उससे 100% एग्री हूँ। और मैं वो उनके पुत्र हैं श्री वीरभद्र सिंह जी के और यूथ आइकॉन हिमाचल के। विक्रमादित्य के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के 2 विधायक भी पहुंचे। ऐसी खबरें हैं कि उनके संपर्क में कई और विधायक भी हैं।
कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत की और 3 निर्दलियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का साथ ऐसे वक्त में छोड़ा जब राज्य का बजट पास होना था। ऐसे में आज सीएम सुक्खू के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि बजट पास कैसे कराया जाए, क्योंकि बजट पास नहीं होने की स्थिति में उनकी सरकार गिर जाती तो कांग्रेस ने कैसे बजट पास कराकर फिलहाल अपनी सरकार को बचा लिया है, अब वो देखना जरूरी है। बीजेपी की रणनीति थी कि कांग्रेस के 6 विधायकों के बागी होने के बाद बजट प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में कांग्रेस का आंकड़ा बहुमत से कम रह जाएगा, ऐसे में सुक्खू सरकार गिर जाएगी। सुबह विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा, नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे और नारेबाजी का हवाला देकर बीजेपी के 15 विधायकों को मौजूदा सत्र से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद निष्कासित किए गए 15 विधायक धरने पर बैठ गए, उन्हें निकालने के लिए मार्शल बुलाए गए। ये बात है कि बजट पारित करने का विषय से ज्यादा सरकार को बचाने का एक रास्ता था उनके पास, एकमात्र रास्ता, और जिसका उन्होंने उपयोग किया। और कहीं नहीं होता है किसी विधानसभा में अंतिम दिन जब बजट पारित होना है कि बजट पारित करने के लिए उनको सदस्यों को सस्पेंड करने, अपना नंबर था होता तो बजट पारित हो जाता तो सस्पेंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। ऐसा क्यों किया गया ये भी समझना जरूरी है। बीजेपी के 15 विधायकों के निष्कासित होने के बाद सदन की संख्या 53 रह गई है, जिससे बहुमत का आंकड़ा 27 रह गया। 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों के अलग होने की स्थिति में कांग्रेस के पास 34 विधायकों का समर्थन था। नंबर जो है अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है, अभी भी क्योंकि अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो अट्रैक्ट करता है, अगर 6 आदमियों की संख्या कम भी कर दी जाए तो 40 में से 34 बचते हैं, वहाँ 25 है। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि फिलहाल सुक्खू सरकार को गिराना मुमकिन नहीं है, इसीलिए उसके बचे हुए 10 विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। क्रॉस की नहीं, मेजोरिटी विधायक अभी भी हमारे साथ ही है, लेकिन किसी कारणवश कोई मंत्री बनना चाहता था, कोई कुछ बनना चाहता था, इस कारणवश उन्होंने गुस्से में राज्यसभा के खिलाफ वोटिंग की। उसके बाद उनके किसी विधायकों के फोन भी आए कि राज्यसभा में भी नहीं लगता, लेकिन सदन की कार्रवाई तो लगता है। आज उन 9 विधायकों को भी आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, जो बाहर चीख कर कह रहे हैं कि हमारे साथ मेजोरिटी थी, तो मेजोरिटी थी तो 9 विधायक तो नहीं निष्कासित थे ना। सुक्खू सरकार ने बजट पास कर लिया और इस तरह सरकार पर मंडरा रहा संकट फिलहाल के लिए टल गया। हिमाचल प्रदेश में जिस तेजी से राजनीति बदली है उसने दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप की चिंता बढ़ा दी है, जो कि ऑब्वियस है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है, प्रियंका गांधी भी एक्टिव हुई, उन्होंने खड़गे से बातचीत की, जिसके बाद डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को शिमला भेजा गया। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के घटनाक्रम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है। इनका यह रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी गूंज TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में भी सुनाई दी। TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक नाटक पर क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट देखना जरूरी है। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायकों के बगावत की खबरें आ रही थी, TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। जब उनसे हिमाचल में मचे घमासान पर सवाल हुए तो उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर उंगली उठा दी। सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, हर जगह
अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी ना किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के धमका के हास दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है। खरगे के बाद टीवी 9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हमने हिमाचल प्रदेश के सियासी डेवलपमेंट पर सवाल पूछा। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है, वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कालीगरी है। उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। हिमाचल में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने आज दो दांव चलेंगे। पहले विधानसभा में बजट पास कराने के लिए बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कराया गया, फिर इसके बाद कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या घटकर 62 रह जाएगी। इस तरह बहुमत के लिए सिर्फ 32 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि कांग्रेस के पास इस वक्त 34 विधायक हैं। यानी 6 विधायकों के अयोग्य होते ही कांग्रेस सरकार से बड़ा खतरा टल जाएगा। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में भगदड़ नहीं मची है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे देश में विपक्षी खेमे में मायूसी है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने की होड़ सी मच गई है। कल और आज सिर्फ 2 दिन में ही यूपी से बिहार, गुजरात से महाराष्ट्र, असम तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए। सिर्फ 2 दिन में विपक्षी दलों में मची भागम भाग का असर लोकसभा की 208 सीटों पर पड़ सकता है। कैसे, अब जरा ये अंक गणित समझते हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। अब ये विधायक औपचारिक रूप से बीजेपी में जा सकते हैं। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल बीजेपी में चले गए। 26 सीट वाले गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता नारायण राठवा ने कांग्रेस छोड़ दिए, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 14 सीट वाले असम में कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी बीजेपी में चले गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन यूपी में राज्यसभा चुनाव में उनकी आंखों के सामने 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। एक विधायक महाराजी प्रजापति वोट डालने ही नहीं आई। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, और अंतर आत्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। विपक्ष को झटका 80 सीट वाले यूपी में ही नहीं लगा, 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में भी भगदड़ मची है। कल आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। आरजेडी की संगीता कुमारी के अलावा कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ सदन में दाखिल हुए। तीनों विधायक विधानसभा के अंदर एनडीए के सदस्यों के साथ बैठे नजर आए। बाकी लोग तो टूटते रहे, टूटेंगे, सरकारें टूट रही है, मुख्यमंत्री टूट रहा है, तो सदस्यों की क्या विषाद है? भाजपा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू का गठबंधन यहाँ बन गया है, तो दूसरे सभी दलों में समझिए कि बेचैनी है। इससे पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान भी आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। बिहार में विपक्ष को यह झटका तब लगा है जब 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली होनी है। इस रैली में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर घमासान महाराष्ट्र और असम में भी मचा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे बसवराज पाटिल पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पाटिल मराठावाड़ा क्षेत्र के एक बड़े लिंगायत नेता है। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा भी भाजपा में शामिल हो गए। नारायण राठवा 5 बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो जोरहाट से विधायक भी रह चुके हैं। कि ऐसे मजबूत लोग हैं और वो कांग्रेस विचारक के हैं, तो इसलिए
ये डर का माहौल नहीं, ये आजादी का माहौल है। कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष में बिखराव पर बड़ी बात कही। ऐसे ही छिलका निकल जाता है, 2024 के परिणामों का छिलका निकलते ही ये पूरा संतरा बिखर जाना है, एक एक पड़ी इसकी अलग हो जानी। बिखराव नहीं है, अभी बिखराव काउंटिंग के दूसरे दिन से देखना। सब लोग कहेंगे राहुल बाबा लीडर न होते तो हम जीत जाते। और अब इलेक्शन टॉप 9। महाराष्ट्र के यवतमाल में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा पूरे देश में अब की बार 400 पार की गूंज, विकसित भारत के लिए नारी शक्ति की को सशक्त करना जरूरी है। तमिलनाडु को पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात, देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को दिखाई हरी झंडी। कल से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर जाएंगे चुनाव आयोग की टीम, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी बैठक, संवेदनशील सीटों पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, शहरों में हाई राइज बिल्डिंग परिसर में बूथ बनाने और सभी बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग। एमपी के छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं से बोले कमलनाथ, अपने आप को थोपना नहीं चाहता, अगर आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं विदा होने को तैयार हूं। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में मनोज जरांगे को जालना से लोकसभा प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने बढ़ाया नाम। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जल योजना पर सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा जल योजना रोकने की बात झूठ, जल बोर्ड सीएम के अधीन। अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, सीबीआई ने बयान देने के लिए कल बुलाया। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा, नीतीश सरकार पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। और आगे देखिए मोदी के 10 साल हर मिनट का रिपोर्ट कार्ड, द पीएम फैक्टर।